दोस्तों, आज मैं इस चाइना पीसीबी में जिसका रिमोट है 7A47, जो कि ये रिमोट उस पीसीबी में वर्क करता है। तो इस रिमोट में सर्विस का कोई भी बटन नहीं है। ज़्यादातर इलेक्ट्रिशियन क्या करते हैं कि जो यूनिवर्सल रिमोट होता है जिसके अंदर सभी चीज में काम करता है, उसमें सर्विस मोड का बटन भी होता है और उस सर्विस मोड का बटन को यूज़ करते हैं। लेकिन मैं इस चेचिस में, जो कि चाइना पीसीबी है, इसमें इस रिमोट के द्वारा जो सर्विस कोड है, सर्विस कोड के द्वारा इसका सर्विस मेनू ओपन करके दिखाऊंगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि जो इसका पीसीबी का रिमोट का जो बटन होता है डिस्प्ले का, ये डिस्प्ले का बटन है, डिस्प्ले के बटन के साथ और ये वॉल्यूम डाउन का एक बटन को प्रेस करके रखना है। वॉल्यूम डाउन के बटन को प्रेस करके ऐसे रखना है, जीरो हो जाएगा दोस्तों। उसको छोड़ना नहीं है, दबा के रखना है। उसके बाद में डिस्प्ले का बटन दबा देना है। इस तरह से मैं आपको दिखा रहा हूँ। अभी मैं एवी मोड में करता हूँ, उसके बाद में जीरो करके उसको डिस्प्ले का बटन दबाता हूँ। उसको दबा के प्रेस करके रखना है बटन को। उसके बाद में रिमोट के बटन को प्रेस करना है डिस्प्ले, तो वो सर्विस मोड ओपन हो जाएगा। और इस तरह से आप किसी भी इस जो चाइना पीसीबी है उसमें सर्विस मोड ओपन करके हाइट एडजस्ट कर सकते हैं, कलर कंट्रास्ट कुछ भी कम ज़्यादा कर सकते हैं, जो भी एडजस्ट करना वो हो सकता है दोस्तों। उसके अलावा डिफरेंट तरीके से जो फंक्शन है उसको बदलने के लिए जो रिमोट है, रिमोट के साइलेंट बटन को दबाना होगा, जिसके हमारा टीवी साइलेंट होता है। साइलेंट बटन को ग्रीन कलर का होता है, उसको प्रेस करते जाओगे तो डिफरेंट तरीके के फंक्शन आएंगे। तो इस फंक्शन को यूज़ करके आप जो F7, F2, F1 इस तरह का जो फंक्शन है उसमें अलग अलग फंक्शन होते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं। उसके बाद में जो भी चेंजेस किया है, चेंजेस को सेव करने के लिए आपको फिर से डिस्प्ले का बटन प्रेस करना होगा। तो ये फंक्शन F1 है। इस फंक्शन में F0 है, F1 में इसका हाइट और जो भी वेथ है वो कम ज़्यादा कर सकते हैं, तो वो चीज़ें इसमें दिखाया गया है। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में मैंने काफ़ी आपको दिखा दिया, उसको आप भी ट्राई कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। तो इस टीवी का जो मेन्यू है इस प्रकार से आता है।